आरती बेटी, क्या है मौसी? बेटी इस फार्म का जरा हिसाब किताब तो देख ले। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है मौसी कि मुझे तुम इस हिसाब किताब के चक्कर में मत घसीटो। तुम ही इस घर की बड़ी हो, तुम ही देख लेना। वो तो ठीक है, लेकिन हूँ तो नौकरानी। मौसी, मैंने हमेशा तुम्हें माँ की तरह ही समझा है और तुमने भी मेरी माँ की तरह ही परवरिश की है, इसलिए बार बार नौकरानी कहकर मेरे दिल को ठेस मत पकड़ो। पूछने पूछने में पूछना भूल जाओगे। पूछो क्या पूछना है। मम्मी, हमारी स्कूल की छुट्टियां खत्म होने में और कितने दिन बाकी है? 10 दिन है ना मम्मी बाकी? नहीं बेटे, 6 दिन बाकी है। देखा, हार गया ना। मैंने कहा था ना कि 6 दिन बाकी है। जाने दे कविता, तुम लोग छुट्टियों के खत्म होने का जिक्र ही क्यों करते हो? मेरा दिल तो घबराने लगा। बाबा, तुम दोनों एक साथ इस पर बैठना बस। बालिया, अब इसकी टांग कैसी है? डॉक्टर साहब आए थे ना इसे देखने के लिए। अभी लंगड़ा था तुम्हें? जख्म पूरी तरह भर गया है ना? क्या है राजा, देखने रहा? मैं बालिया से बात कर रही हूँ, थोड़ी देर इंतजार नहीं कर सकता? लालची कहीं का। देख, मैं लाई हूँ तेरी खुराक। लेने मुझे तो मैं खिलाऊंगा। अच्छा, तुम खिलाओ। Thank you.
नमस्ते बालिया। क्या हुआ मम्मी? अचानक डैडी की तबीयत खराब हो गई है, मुझे फौरन टेलीफोन करने के लिए कहा है। तुम लोग ऐसा करो, बाली के साथ आ जाओ। मैं झूठ नहीं सुनना चाहता, बरसों से तुम्हारी ही बात सुनता आ रहा हूं। एक दोस्त की हैसियत से मैंने तुम पर रहम खाया, तुम्हारी मदद की, तुम भूखों मर रहे थे और तुम नमक हराम गिरगट। तुम मेरी कंपनी के नाम पर लोगों से लाखों रुपए लेते रहे और हड़प कर गए और मुझे पता तक न चलने दिया। नहीं, मैं मानता हूँ मैंने थोड़ी सी बेईमानी की, लेकिन फिर भी आपको मुझ जैसा ईमानदार आदमी नहीं मिलेगा जो अपने मुंह से अपनी बेईमानी कबूल कर रहा है। मैं मजबूर था, मुझे पैसों की थोड़ी जरूरत थी। जरूरत? मुझे अच्छी तरह मालूम है तुम्हारी जरूरतें क्या हैं। यही ना कि जुआ खेलना, शराब पीना, हजारों औरतों पे पैसे लुटाना, यही है तुम्हारी जिंदगी की जरूरतें। और इतने दिनों से तुम मेरी ही आस्तीन पर बैठे रहे और मुझे ही डसते रहे, मगर अभी भी देर नहीं हुई। ये कागजात देख रहे हो, इसमें तुम्हारे तमाम करतूतों की दास्तान लिखी हुई है। ये मैं अपने वकील के पास भेज रहा हूं, वो तुम पे मुकदमा करे या तुम्हें पुलिस के हवाले करे, मुझे कोई परवाह नहीं। आई हैव फिनिश्ड विद यू। ऐसा मत कीजिए, मैं बर्बाद हो जाऊंगा, मेरी इज्जत, मेरा नाम सब खाक में मिल जाएगा। एक बार मुझे माफ कर दीजिए, बस एक बार, मैं बिल्कुल सुधर जाऊंगा। क्या क्या सोचा था मैंने तुम्हारे बारे में? मेरी तबीयत खराब रहती है, कभी भी कुछ हो सकता है। अपनी बेटी, अपने नवासी नवासी का सरपरस्त मैं तुम्हें बनाना चाह रहा था। सारी जिम्मेदारियां तुम्हारी होती। अरे बच्चे तुम्हें प्यार से चाचा चाचा कहते हैं, इसका कोई ख्याल नहीं रहा तुम्हें। आरती को भी मैं बता दूंगा कि तुम्हारी असलियत क्या है और चाचा बनकर तुमने हमारे भरोसे को कैसे ठुकराया है। हेलो। जी डैडी। अरे बेटी आरती, आपकी तबीयत तो ठीक है? हाँ बेटी, अचानक मेरी तबीयत खराब हो गई थी, इसीलिए मैंने तुम्हें कहा था कि मुझे टेलीफोन कर लो। अच्छा, अब तो आप ठीक है ना डैडी? बेटी, एक जरूरी बात तुमसे कहनी थी। जी कहिए। हुआ ये है कि हेलो 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 डैडी, हेलो नाना की तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब हो गई, हमें फौरन शहर वापस जाना होगा। देखा जम्बू, बाबूजी भी हमें छोड़कर चले गए। ये मैंने सोचा कि ये पहाड़ जैसी जिंदगी हम कैसे काटेंगे। कौन है हमारा चब्बो? हम किसके सहारे जिएंगे? मैं हूं ना आरती, तुझे कभी अकेलापन महसूस नहीं होने दूंगी। और फिर होने को कौन टाल सकता है? मौत के आगे हम सब मजबूर हैं, बेबस हैं। चल आरती, गरम गरम कॉफी पी ले, जी हल्का हो जाएगा। नंदिनी, अगर इस समय तू मेरे साथ न होती तो न जाने मैं क्या कर बैठती। क्या पागलों जैसी बातें करती हो, मैं तुम्हें कुछ करने देती क्या? नंदिनी तुम्हारी सहेली ही नहीं, तुम्हारी बहन भी है। देखो आरती, जो कुछ हुआ है उसे भूलने की कोशिश करो। नंदिनी ठीक कह रही है, कब तक इस तरह से आंसू बहाती रहोगी? तुम्हें तो बीमार होने का भी हक नहीं है, क्योंकि तुम पर तुम्हारे बच्चों की जिम्मेदारी है, जो भी बहुत छोटे हैं। उनके जवान होने तक कदम कदम पर तुम्हें उनका साथ देना होगा। और फिर करोड़ों का कारोबार है, बिजनेस का लेन देन है, ये बोझ भी अब तुम्हें को उठाना होगा। इस तरह से सारी जिम्मेदारियों के बोझ को भुलाकर, सिर्फ गम के बोझ को दिल पर रखकर घर में बैठ जाने से काम नहीं चलेगा। विक्रम के चले जाने के बाद
मैं अपने आप को बिल्कुल तनहा समझने लगी थी। वो दुख शायद मेरी जान ही ले लेता, लेकिन डैडी ने मुझे जीने की प्रेरणा दी। मेरी उंगली पकड़कर उन्होंने जिंदगी के रास्ते पर मुझे फिर से चलना सिखाया और खुद मुझे बेचारे पर छोड़कर चले। मैं आखिरी वक्त पर उनसे कुछ बात भी नहीं कर सकी। वो मुझसे कुछ कहना चाह रहे थे कि अचानक उनकी आवाज बंद हो गई। मैं जानता हूं बेटी, मैं जानता हूं कि वो तुमसे क्या कहना चाह रहे थे। हाँ बेटी, क्योंकि उनके आखिरी समय मैं बदनसीबी उनके सिराने पे था। उन्होंने शायद अपनी मौत को सूख लिया था। मुझसे कहने लगे, हीरालाल मेरे दोस्त, मेरे भाई, आज सारे घर की जिम्मेदारी तुम पर है ना। मेरी बेटी जिंदगी की इतना लंबा सफर आके नहीं तय कर सकती, इसलिए उससे कहो किसी का हाथ थाम कर शादी कर ले। बस कीजिए, भगवान के लिए ऐसी बातें मत कीजिए। मैं जानता हूँ बेटी, इस वक्त बाप की जुदाई की आग तेरे मन को जला रही है और मैं उस आग पर शादी के फेरे लेने के लिए कह रहा हूँ, मगर मैं क्या करूँ, मजबूर हूँ। तेरे पिताजी की आखिरी तमन्ना थी, ये तो मर गए, जाते जाते मुझे यदीम कर गए। संजय, ये अचानक तुम? मौके भी अचानक ही मिलते हैं। क्या मतलब? समझ गई नंदिनी, अगर हमारी ये चाल कामयाब हो गई तो हम आरती की करोड़ों की जायदाद के मालिक बन जाएंगे। मामा मुझे आरती के करीब ले जाएगा और तुम आरती को मेरे करीब लाओगी। बोलो, इस काम में तुम मेरा साथ दोगी? कल सिटी क्लब का सिल्वर जुबली फंक्शन है, मैं आरती को लेकर वहां आऊंगी। वेलकम आरती, वेलकम। तुमने आज घर से ना निकलने की कसम तो तोड़ी। I'm very happy। बहुत खूब, लाजवाब, बेमिसाल, एक्सलेंट। मैं नमस्ते चाचा जी, तुमसे कह रही हूँ। मैं हाय, मैं हाय दे, मैं हाय हो गया। मैं क्लब के तमाम मेंबर्स की तरफ से तुम्हें वेलकम, स्वागतम, खुशामदीद कहता हूँ। ये क्लब जिसकी बुनियाद तुम्हारे पिताजी के महान हाथों से रखी गई थी, तुमने इसके फंक्शन में आकर इसकी इज्जत में 1440 चांद लगा दिया। बेचारी को सांस तो लेने दो। नमस्ते नमस्ते। आओ बेटिया। हीरालाल जी, एक मिनट। हेलो आरती जी, अजनबी लग रहा हूँ ना? जब तक पहचाना ना जाए इंसान अजनबी तो लगता है ना। अब पहचान हम कराए देते हैं। ये है हीरालाल का हीरे जैसा भांजा संजय। अच्छा। लंदन जाए। काश आज सक्सेना अंकल जिंदा होते और हम दोनों को मिलवाते, तब आप जान जाते कि वो मुझे कितना चाहते थे। सिर्फ चाहते थे? अरे वो तो चाहते थे कि ये उनके कारोबार का सारा बोझ संभाल ले, मगर जिद्दी है, नहीं माना। अब ये बेचारा भी क्या करे, इसके खुद के कारोबार बहुत ज्यादा है ना। ये तो मैंने मिन्नत समाजत करके बुलाया अपना हाथ बंटवाने के लिए। अरे आरती, इधर ही खड़ी रहोगी क्या? और लोग भी तो है, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। चलो। एक्सक्यूज मी, आप वो मशहूर मॉडल नंदिनी तो नहीं? जी हाँ, और आरती की सहेली भी। बड़ी खुशी हुई मिलकर। आज इस खुशी के मौके पर कौन सा हंगामा करे नंदिनी? बस थोड़ी देर और रुकिए चाचा जी। आज की रात हर दिल वाले को पता चल जाएगा कि जिंदगी कितनी हसीन है।
यहाँ भी हाय हाय इसे कहते हैं किस्मत। फिर से मुलाकात हो गई। नमस्ते नमस्ते। बड़े प्यारे बच्चे हैं। क्या नाम है तुम लोगों का? मेरा नाम कविता, इसका नाम बॉबी, मेरा नाम गागा वाला। अच्छा तो आप बताइए आपका नाम क्या है? आप बताइए आपका नाम क्या है? मेरा नाम संजय। हाय संजय। हाय। ये क्या बदतमीजी है, संजय अंकल बोलते हैं ना। हाय मम्मी। अंकल आपको टेंस खेलना आता है? हाँ आता है। क्या नंदिनी आंटी से भी अच्छा आता है? वो तो खेलने के बाद ही पता चलेगा। क्यों नंदिनी जी, हो जाए क्या गेम? Why not? सिर्फ संभालिएगा, कहीं आपके सिर पर फिर से बॉल ना लग जाए। वो तो निशाने पर डिपेंड करता है। चलिए देखना आंटी जीतेगी, देखना अंकल जीतेंगे। शॉट मारा। तुझे मालूम है पापा भी बिल्कुल ऐसे खेलते थे। अच्छा thank you.
अंकल, तो फिर कल से इसी का ना स्टार्ट कीजिए ना। प्लीज अंकल। कभी बॉबी चलो घर चले। जरा ये अपने कुत्तों को साइलेंसर लगाओ, इतनी जोर से भोंकते कि घबरा के आदमी का दिल उड़ के मुंह से बाहर आ जावे। धन्यवाद। काय काम दा? धन्यवाद नाटी, धन्यवाद, धन्यवाद। हाँ, मगर पहले अपने कुत्तों को तो संभालो यार। अरे क्या संभाल के रखो, हम लोग दो घंटा से कुत्ता को लेकर घूमता होता तो बेचारा चुपचाप शराफत से हम लोग का साथ जाता होता। तो मेरे को देखा ने भोंकता चालू कर दिया। क्या मतलब, मैं कोई दूसरी गली का कुत्ता जो तुम्हारी गली में है तो मुझे देख के भोंकना शुरू कर दिया? मेरे को क्या मालूम। हाँ मगर एक बात तो यार, मुझे कुत्ते देख के भोंकने लग जाते हैं, मेरे घर के कुत्ते ने तो जीना मुश्किल कर दिया मेरा। तू व्हाट करे? लगता है तमेरा खून का अंडर है ना, कुछ गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? मतलब मेरे खून में क्या कुत्ते का खून मिला हुआ है? अभी 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 हम कैसा बता सकता है, ये तो हम लोग का कुत्ता का डॉक्टर ही बता सकता है। कुत्ते का डॉक्टर? हाँ, शरीन बेन नटबोल दारू वाला। नटबोल दारू वाला, ये कैसा नाम है? आजो नहीं आया। ये उसका कारण है, कभी टाइम मिले तो आके चेकअप करा लेना, बहुत फायदा का काम है। तुम कौन है? मैं उसका कंपाउंडर है, फिरोज भाई सोडा वाला। वाह क्या टीम है, वो दारू वाला, तुम सोडा वाला। और तुम? मैं हीरालाल गिलास वाला। अरे वाह सू पांच है, अब उल्लो का बहुत जमेगा। दारू को सोडा में डालो और सोडा को गिलास में डालो। तो गिलास को किस में डालो? वो मेरा बड़ा डॉक्टर है, डॉक्टर खड्डा वाला। मतलब गिलास को खड्डे में डालो, तू मेरे खड्डे में डालेगा? धन्यवाद। क्या बोला? अरे बच्चों, अगर मुझे तैरना आता तो किनारे पर बैठ के पत्तियां इकट्ठा करता। तो फिर ये स्विमिंग पूल का क्या फायदा, मम्मी को भी तैरना नहीं आता, फिर हमें कौन सिखाएगा? फिकर क्यों करते हो, अभी अंकल आ गए ना, यही सिखाएंगे। आपको स्विमिंग करना आता? हाँ बिल्कुल आता है। अरे आप तो हीरो हैं, हीरो। आपको डांस खेलना आता है, स्विमिंग करना आता है, अंकल हमें भी सिखाइए ना। जरूर सिखाऊंगा, चलो। चलो तुम लोग पानी से बाहर निकलो। माफ करना आती जी, आपसे पूछे बगैर मैं बच्चों को तैरना सिखा रहा हूँ, लेकिन घबराइए मत, बच्चे मेरे साथ हैं। लेकिन देखिए, अगर बचपन से इनके जहन में डर घुस गया तो जिंदगी भर कोई फैसला करने के काबिल नहीं रहेंगे। ये बच्चे सचमुच हंस रहे हैं या कुत्ते के डर से मुझे ऐसा लग रहा है? कितने अच्छे लग रहे हैं, आज बरसों के बाद इतना खिलखिला के हंसे नहीं। हाँ बैठे ना। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग। माफी चाहता हूँ आपको डिस्टर्ब किया, लेकिन हालात ऐसे हो गए हैं और आपका फैसला भी बहुत जरूरी है। क्या बात है मैडम? फैक्ट्री के वर्कर्स ने स्ट्राइक कर दी है और मांगे इतनी नाजायज हैं, लगता है कि हमें फैक्ट्री लॉकआउट करनी पड़ेगी। क्या मांगे हैं उनकी? कहते हैं कि उनकी तनख्वाहें 25% बढ़ा देनी चाहिए। दरअसल वो लोग सेठ जी की मौत का फायदा उठाना चाहते हैं। बेटी मैं एक बात बोलूं, कोई फैसला वैसला करने की जरूरत नहीं है, ये वो गुत्थी जिसका कोई छेड़े ही नहीं है। मेरी मानो तो फैक्ट्री को ताला लगा दो, चाबी किसी नदी में फेंक दो, सारी झंझट खत्म। ये क्या बकवास कर रहे हैं मामा, आप जैसा हमदर्द हो तो सारी दुनिया का बेड़ा गर्क हो जाए। आरती जी इजाजत हो तो मैं कुछ कहूं जी। मेरे ख्याल में वर्कर्स की मांगे मान लेनी चाहिए। चौंकिया मत, आजकल दुनिया भर में वर्कर्स की यही समस्या है। वैसे मैनेजर साहब, अगर आप उनकी मांगे मान लें और अपनी एक मांग रखें कि हर वर्कर को रोज आधा घंटा ज्यादा काम करना पड़ेगा, तो वो मान जाएंगे, क्या ख्याल है? आपका ख्याल सही है, वो खुशी खुशी मान जाएंगे। आइडिया में दम है। अरे वाह भांजे वाह, आज पहली मरतबा विश्वास हुआ कि भैंस जो है वो अकल से बड़ी होती है। अकल बड़ी होती है, लानत है यार। अरे यार मैं सच बोल रहा, झूठ थोड़ी बोल रहा, तेरे को आते जाते मैं ही मिलता हूँ क्या? तेरा इलाज कराना पड़ेगा। नहीं, मैं अपने करा लेता हूँ। ये क्या हो रहा है?
सॉरी कौन तुम? धन्यवाद। बात दरअसल ये कि मैं कुट्टा लोग का बीच में रह रहे के मेरा आदत भी कुट्टा लोग का माफक हो गया। जब भी मैं खंबा देखता हूँ ऑटोमेटिक मेरा नाम घूम जाता है। जब भी मैं आईना देखता हूँ मेरा भोगने को जी चाहता है। भाव 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 भाव। ये कुत्तों का दवा खाना है कि पागल खाना है? बिल्कुल दवा खाना है मिस्टर। ये कौन बोला? अजी मैं बोल रही हूँ। आवाज तो रहा हूँ, क्या आ रही है? मेरी आवाज में जरा गड़बड़ है। जरा गड़बड़ है? अगर ये जरा है तो बहुत किसको बोलते हैं। ये तो ऐसा लगता है बकरी के गले में से भिन्ना है शेर की आवाज निकल रही है। वो बचपन में मुझे एक बहुत ही खतरनाक पागल कुत्ते ने काट लिया था। तो कुत्ते की आवाज आपके गले में आ गई? जी नहीं, मेरी आवाज कुत्ते में चली गई। इसीलिए कुत्तों का डॉक्टर बनने का फैसला कर लिया था मैंने। आपका कुत्ता कहाँ है? मेरा कुत्ता मैं हूँ जी। नहीं, फरमाइए आपको क्या तकलीफ है? तकलीफ ये है भयानक साहिबा, नहीं डॉक्टर साहिबा, कि कुत्तों ने मेरा जीना मुश्किल कर दिया है। जिस मोहल्ले जिस गली से गुजरता हूँ ना तो वहाँ के कुत्ते दुम झटक के मेरे पीछे पड़ जाते हैं। नो प्रॉब्लम, आप लेट जाइए। लेट जाइए? लेट के क्या होने वाला है? मैं आपको ऐसा इंजेक्शन लगा दूंगी कि कुत्ते आप पर भौंकने की बजाय आपको चाहने लगेंगे, आपको चाटने लगेंगे। क्या बंडल मारती है, ऐसा कभी हो सकता है क्या? ऐसे ही छोटा है, ऐसे ही छोटा है, घबराने करे घबराने करे, बहुत सज्जो मारना चाहिए। चलो डिकरा का पजामा खोलो, मेरा खोलो। इंजेक्शन हो गया, सीरिंज निकालो। गोश निकाल लिया क्या? जास्ती नहीं। हो गया। अब ये क्या सड़ा हुआ मुंह बनाया है? मुस्कुराओ। मैंने तुम्हारे मुस्कुराने पे एक तो तलवार की साइज का इंजेक्शन घुसा दिया, ऊपर से बोलती है मुस्कुराओ। अरे बाप रे, इंजेक्शन की तरफ से तो अच्छा था, मोहल्ले के कुत्तों से वैसे ही कटवा लेता। अरे बाबा, ये लो। ये क्या है? ये तमेरा इलाज का हुआ 500 रुपया, उसका बिल है। बिल पे एक तो तलवार की साइज का इंजेक्शन घुसड़ के यहाँ बिल बना दिया, ऊपर से अपना बिल लेके चला रहा है। धन्यवाद धन्यवाद, तुम बहुत जल्दी अच्छा हो जाएगा। अच्छा हो जाएगा तभी देखा जाएगा, अभी पैसा नहीं है मेरे पास। अरे लेकिन मैं डॉक्टर साहब को क्या जवाब देगा? उनको बोलना धन्यवाद। अरे ऐसा थोड़ी होता है। धन्यवाद। अरे शुक्र है, धन्यवाद। अरे इसका पीछे दूसरा कुत्ता। धन्यवाद मोटी छू। धन्यवाद मोटी छू। धन्यवाद अंकल का। आ गए तुम लोग? अंकल नहीं आए? रोज रोज अंकल अंकल, क्यों नहीं तंग करते हो बेटे? मम्मा वो बहुत अच्छे अंकल है, वो तंग वंग नहीं होते। मम्मा आज अंकल ने हमें पिकनिक पे ले जाने का वादा किया था। तो मैं ले जाती हूँ तुम लोगों को पिकनिक। नहीं, आपके साथ कौन जाएगा? आप एक आइसक्रीम दिला के बैठा देती हैं, बस आइसक्रीम ही खाते रहो। वो राजू है ना, उसके पापा है ना, उसको घोड़े पे बिठाते हैं, ऊँट पे बिठाते हैं, जाने कितना मजा कराते हैं। दूसरों को जाने दो बेटे, मगर तुम लोग किसी के साथ नहीं जाओगे। प्लीज मम्मी जाने दीजिए ना अंकल के साथ। एक बार कह दिया ना? नहीं। क्यों बच्चों को डांट रही है आपके लिए? कैसे तुम दोनों? ठीक है अंकल, आपने आने में इतनी देर क्यों लगा दी? सॉरी जरा देर हो गई थी, लेकिन तुम दोनों पिकनिक के लिए तैयार हो ना? हाँ, लेकिन मम्मी नहीं जाने दे रही। क्यों आरती जी, क्यों नहीं जाने दे रही आप? ये रोज रोज आपको तंग करते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्यों बच्चो, तुम्हें भी अच्छा लगता है ना? तो फिर मम्मी से पूछो हम चलें। मम्मी हम जाएं, प्लीज मम्मी। अच्छा, लेकिन पहले कपड़े बदल लो। रामू काका, बच्चे अभी तक नहीं आए। आ जाएंगे बेटी, क्यों चिंता करती हो? लेकिन मेरी जान सूख गई थी, मालूम है कितनी देर से फिक्र कर रही हूँ मैं? आप खामखा फिक्र कर रही थी आरती जी, बच्चे मेरे साथ थे और मैं एक जिम्मेदार आदमी हूँ। नहीं नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था, वरना मैं भेजती नहीं थी। मम्मी मम्मी, अंकल ने घोड़े पे बैठाया। अच्छा? टुक 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 टुक। मम्मी मम्मी, अंकल ने ऊँट पे बैठाया। आंटी आंटी। बस बस बस, यहाँ अब आप लोग ऊपर जाओ, मैं आप लोगों के लिए दूध भेजती हूँ। के फिक्र सो जाना, कल सुबह स्कूल भी तो जाना है। ओके मम्मी, थैंक यू अंकल, बाय। खाना लग गया बेटी। अब मैं इजाजत चाहूंगा आरती जी। क्यों, खाना खाकर जाइए ना। जी नहीं, किसी और दिन। अंकल खाना तो खा।
खाना ही पड़ेगा। आपके कहने पे हमने खाया, अब हमारे कहने पे खा लीजिए ना। ठीक है, जैसी तुम लोगों की मर्जी। बहुत खूबसूरत कंगन है, बिल्कुल रजवाड़ों के खानदान का। जी हाँ, भारतीय कला का एक खूबसूरत नमूना है, तीन पीढ़ियों से हमारे खानदान में। गुड नाइट मम्मी, गुड नाइट अंकल। गुड नाइट। बड़े प्यारे बच्चे, आप भी लीजिए ना। जी, लगता है आपको बच्चों से बहुत प्यार है। जी हाँ, मुझे बच्चों से बहुत लगाव है। विक्रम भी बच्चों से बहुत प्यार करते थे, बच्चों के लिए जैसे दीवाने हो जाते थे। ये घर खिलौनों से भरा हुआ रहता था, हर रोज बच्चों के लिए कुछ न कुछ लाते ही थे। एक बार हम छुट्टियों में फार्म पर गए थे, कविता एक साल की थी। एक दिन मैंने उनसे कहा, देखिए कविता चलने लगी है, उसके लिए घोड़ा ला दीजिए। तो जानते हैं उन्होंने क्या किया? आरती, ओ आरती। अरे बाबा क्या है, क्यों चला रहे हो? अरे इधर आओ ना। हाँ बोलो। ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। अरे ये क्या है? घोड़ा है, और क्या है? वो तो मैं भी देख रही हूँ, लेकिन किस लिए लाए हो? अरे वाह, तुमने तो कहा था कि कविता के लिए घोड़ा ले आना। मैंने? अरे बाबा, वो तो मैंने कविता के लिए लकड़ी का घोड़ा लाने के लिए कहा था, और ये तुम सचमुच का घोड़ा उठा के ले आए? उठा के नहीं लाया हूँ, चला के लाया हूँ। विक्रम मजाक मत करो, कविता इससे क्या करेगी? क्या करेगी क्या मतलब, जब कविता बड़ी हो जाएगी तो इस पर सवारी करेगी, तब तक तुम सवारी करो। कौन, मैं? और इस घोड़े पर? क्यों ना बाबा ना, मुझे तो दूर से डर लग रहा है। आओ मैं तुम्हारी दोस्ती से करवा देता हूँ। दोस्ती? ना बाबा ना, मुझे डर लग रहा है। चुपचाप खड़ी रहो, इधर आओ, इधर आओ, ये इसे खिलाओ। अरे ये तो शक्कर है। मिठास में बहुत शक्ति है, जानवर इंसान भगवान सबको अपना बना लेती है। चलो इसे खिलाओ, चलो। कहीं मेरी उंगली चबा ली तो मैं घोड़े को चबा लूंगा। चलो चलो।
कविता 2 साल की थी और बॉबी पैदा ही हुआ था। हमारी जिंदगी प्यार और खुशियों से भरी हंसते खेलते गुजर रही थी कि अचानक एक दिन सब कुछ खत्म हो गया। हमारी शादी की सालगिरह थी, विक्रम का इंतजार हो रहा था और वो इंतजार की घड़ी इतनी लंबी हो गई कि सारी उम्र इंतजार ही रह गया। लेकिन हुआ क्या था? वो पूना से आ रहे थे, पार्टी में जल्दी पहुंचना चाहते थे और जल्दबाजी में उनका एक्सीडेंट हो गया। उसी मनहूस घड़ी हमारी जिंदगी टुकड़े टुकड़े होकर बिखर गई। हमारी खुशियां, हमारे सपने, हमारी आशाएं सब कुछ उन्हीं के साथ चली गई। बच्चों की होठों से ऐसे किसी ने मुस्कुराहट छीन ली हो। आज बरसों बाद मैंने बच्चों के होंठों पर मुस्कुराहट देखी और ये हमेशा कायम रह सकती है। मैं जानता हूं आरती जी कि आपके दिल में विक्रम की यादें और उसका प्यार रचा बसा है और उसमें किसी और के बसने की जगह नहीं है। लेकिन अगर आपके दिल के किसी कोने में इतनी भी जगह हो जहां मेरी श्रद्धा बस सके तो मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब समझूंगा। मैं ये तो नहीं कहता कि आपकी सारी खुशियां वापस आ जाएंगी, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि इस घर की वीरानी प्यार और खुशियों के माहौल में बदल जाएगी। पता नहीं ये सब कुछ कहने का साहस मुझे कैसे हुआ, लेकिन विश्वास कीजिए मैं जो कुछ कह रहा हूं सच्चे दिल से कह रहा हूं। वाह भाई ये वाह, बस सही जा रहा है। आरती से झूठी हमदर्दी जता के उसकी दौलत पे जो हाथ डालने का हम लोग का प्लान था ना, उस प्लान की सड़क पे तो बिल्कुल सही जा रहा है, बल्कि तेज जा रहा है। तेज वेज कुछ नहीं मामा, यूं समझ लो कि बस मंजिल के करीब पहुंच चुका हूं। मंजिल के करीब कैसे पहुंच गया? ये बात मेरी अकल की झोपड़ी में, मेरे दिमाग में गई नहीं। क्यों, पहले तो हर बात दिमाग में बड़ी तेजी से घुस जाती थी, इस बार क्यों नहीं घुसी? अभी तो क्या करूं यार, एक तो एक कुत्ते लोग ने भों भों के डरा डरा के भेजे के बर्तन में दिमाग को लकड़े का लड्डू बना दिया। सोचते समय अकल के दांत टूट जाते हैं मगर बात समझ में नहीं आती है। एक तो साला ये भेजा आधा नाक में से बाहर निकल गया है। बात कर ले यार। अरे तू बता ना यार, तू मंजिल तक कैसे पहुंच गया? उसे पूरा विश्वास हो गया है कि मैं एक बहुत शरीफ और ईमानदार इंसान हूँ, यहाँ तक कि मैं उसके घर कभी भी किसी वक्त बेधड़क आ जा सकता हूँ। और इतना ही नहीं मामा, मैंने उसे खुले लफ्जों में तो नहीं दबे लफ्जों में शादी की फरमाइश भी कर दी। शादी की फरमाइश? उसने तेरे को मारा नहीं? संजय आज तक अपने स्टाइल और अपने अंदाज से लड़कियों को मारता आया है, किसी लड़की में इतनी हिम्मत नहीं जो संजय को मार सके। अरे हाँ मेरे बाप, मगर ये दूसरी किस्म की लड़की है, उससे तूने ये बात की कैसे? कहते हैं कि अगर गाय को काबू में करना हो तो पहले उसके बछड़ों से दोस्ती कर लो, और मैंने पहले उसके 2 बछड़ों को यानी उसके 2 बच्चों को अपना दीवाना बना लिया है। आज बच्चे सीने से चिमट गए हैं, कल उनकी माँ भी चिमट जाएगी। वाह भांजे वाह, अगर तूने ये काम कर दिया तो ये वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा। 420 की किताब में ये किस्सा बेईमानी की सियाही से लिखा जाएगा कि एक सीधी शादी बिन माँ बाप की करोड़पति विधवा को शादी के चक्कर में फंसने का सुनहरी कारनामा। मगर भांजे वो मान तो जाएगी ना? मुझे किसी साथी की जरूरत नहीं है। मैं जानती हूँ तुम्हें किसी की जरूरत नहीं, लेकिन तुम सिर्फ अपने बारे में ही क्यों सोचती हो? अपने लिए तो सभी जीते हैं आरती, लेकिन दूसरों की खुशी के लिए जीना ही जिंदगी है। और फिर ये दूसरे हैं कौन? तुम्हारे अपने बच्चे, अपना घर, अपना बिजनेस, इन सब के लिए अगर तुमने कुर्बानी दे भी दी
तो तुम कुछ खोगी नहीं, पाओगी ही। आगे तुम्हारी मर्जी। क्या बात है रामू काका? अब क्या कहें, छोटा मुंह बड़ी बात है। तो हम नौकर ही, लेकिन इस घर में इतना मान मिला है कि बात करने की हिम्मत पड़ रही है। बोलिए ना, क्या कहना चाहते हैं? यही बेटिया कि नंदिनी जी ठीक कह रही थी, बूढ़ी आंखों ने इतनी दुनिया देखी है कि अच्छे बुरे की पहचान खूब हो गई है। हमारा मन कहता है कि संजय बाबू अच्छे इंसान है और उनमें वो सारे गुण हैं जो एक सज्जन में होने चाहिए। और फिर बिटिया, जिंदगी में कभी न कभी तो समझौता करना ही पड़ता है। बॉबी और कविता भी यही चाहते हैं। तेरे कितनी मरता बोला कि जब मेरे सामने से गुजरा कर तो मेरा गिलास दे के जाया कर। साहब आपके हाथ में गिलास है, वो भी भरा हुआ। भरा हुआ है? खाली है कि नहीं? डाल। आए? साहब सोडा डालो कि पानी डालो? इसमें जगह है? वैसे भी विस्की में सोडा या पानी मिलाने से उसका टेस्ट खराब हो जाता है। विस्की में विस्की मिला के पीना चाहिए। तू जा एक मिनट के बाद वापिस आना। एक मिनट के बाद साहब? अच्छा, तो आधे मिनट के बाद आ जाना। तू भी क्या याद करे। बहुत बहुत मुबारक हो मिस्टर संजय। अपने मामा से तो मिले यार। मामा, वो मामा जो शीशे से पत्थर को तोड़ देता है और कड़के भांजे का रिश्ता करोड़पति लड़की से जोड़ देता है। मगर बाद में मामा को भूल मत जाना, क्योंकि इस बेईमानी की इमारत में हर ईंट मेरी फिट की हुई है। हाँ, जाइए जाइए, बस अब जाइए। अच्छा, तू पहले दिन भाव खा रहा है? देगा ऐसे जाओ मामा, बहुत हो गया। जम्बो जम्बो जम्बो, यार तू मेरे को बात बता। पहले है ना, मैं कुत्ते को देख के डर के भागता था, अभी मैं कुत्ते को देखता हूँ तो उसके पीछे भागता हूँ। ऐसा कैसा? ये इंजेक्शन का असर कुछ उल्टा हो गया, लगता है मेरी आत्मा निकल गई, अंदर कुत्ते की आत्मा आ गई। नई जिंदगी मुबारक हो मिस्टर संजय। शुक्रिया, आपको भी मुबारक हो। क्या बात है, हमारी खुशियों से आप खुश नहीं? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप लोग आज ही हनीमून के लिए जा रहे हैं ना? जा रहे हैं क्या मतलब, आप भी हमारे साथ चल रही हैं? नहीं, मैं क्या करूंगी। अरे भाई, क्या खिचड़ी पक रही तुम दोनों के बीच में? देखिए, मैं आपकी सहेली से कह रहा था कि आप भी हमारे साथ सीतापुर फार्म चलिए, लेकिन ये मानती ही नहीं। ये इसकी आदत है, थोड़ी देर नखरा करेगी फिर खुद ब खुद मान जाएगी। क्यों नंदिनी? लेकिन आरती। लेकिन वेकिन कुछ नहीं। तुम क्या समझते हो मैं तुम्हारे बगैर ही चली जाऊंगी? बच्चे भी साथ चल रहे हैं, सब लोग साथ होंगे तो मजा आएगा। क्यों? कैसी हो मौसी? मैं तो ठीक हूँ। कैसी हो बेटी? अच्छी हूँ। ये लीला मौसी है। नमस्ते। नमस्ते। हमारे पूरे फार्म की देखभाल यही करती हैं। यहाँ का सारा हिसाब किताब इन्हीं के हाथ में है। आ,
और ये बालिया है, ये बेचारा बोल नहीं सकता, घूंगा है। नमस्ते बालिया। आइए अंकल, हम आपको अपना फॉर्म दिखाते हैं। चलो। अभी आए ना आंटी। आई। चलो बालिया, उस तरफ ले चलो। देखो बेटी, लोग कहते हैं जज्बात और एहसास सिर्फ इंसानों में होते हैं, लेकिन देखो राजा को मालूम हो गया तुम आ गई हो, कैसे स्वागत कर रहा है तुम्हारा। आरती, आरती क्या सोच रही हो? जी कुछ नहीं, दिल घबरा रहा था, अजीब बेचैनी सी हो रही है। होता है, पुरानी यादों के निशान दिल की दीवार से आसानी से नहीं मिटते, मगर मैं वादा करता हूं कि अपने प्यार से उन पुरानी यादों को मिटा दूंगा और तुम्हारे दिल पर अपना नाम लिख दूंगा। आओ। क्या बात है? जी दरअसल बच्चों को शायद नींद नहीं आ रही होगी, वो क्या है कि मेरे साथ सोने की आदत है ना उनको। तो जाओ उनको सुला दो। जी लेकिन आप मेरी चिंता बिल्कुल मत करो, और फिर हमारी जिंदगी में आज की एक रात थोड़ी है, हजारों रातें होंगी। जाओ बच्चों के साथ सो जाओ। जाओ जी। तुम यहाँ इस वक्त? मैं तो हमेशा तुम्हारे पास हूँ। और आरती कहाँ है? उसके बच्चों को उसके बगैर नींद नहीं आती, ममता का फर्ज निभाने गई है। पर तुम्हारी सुहागरात? सुहागरात तो जरूर मनेगी, लेकिन उस खूबसूरत आरती के साथ नहीं, मेरी खूबसूरत नंदिनी के साथ। संजय मैं तुम्हारे बगैर एक पल भी नहीं रह सकती, तुम नहीं जानते मैंने अपने दिल पर पत्थर रखकर ये सब कैसे किया। सोचो तो हम लोगों ने कितनी मुश्किल और नामुमकिन मंजिल पाली नंदिनी। मैं अपनी शराफत की एक्टिंग करते करते आरती के करीब पहुंचने की कोशिश करता रहा, और तुम अपने मीठे अंदाज से उसे मेरे करीब ढकेलती रही, और आखिर में हम कामयाब हो गए नंदिनी। एक झूठ मूठ की शादी के दस्तखत के साथ मैं करोड़ों का मालिक बन गया हूं। आज से हमारी नई जिंदगी शुरू होती है, और इस नई जिंदगी की शुरुआत हमारी सुहागरात से होगी। नंदिनी क्या बात है आरती, आज बहुत खुश नजर आ रही हो। हाँ नंदिनी मैं बहुत खुश हूं। कल तक मुझे डर था कि मैंने कोई गलत कदम तो नहीं उठा लिया, लेकिन आज लगता है जो कुछ भी हुआ ठीक ही हुआ। और फिर जिसके पास तुम जैसे सहेली हो वो खुश क्यों ना हो। आरती, नंदिनी जी, भाई शिकार पर चलना है कि नहीं? सारी तैयारियां हो चुकी हैं, चलो। हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे। अंकल हमें भी ले चलिए ना। नहीं, बच्चे शिकार पर नहीं जाते, जब तुम बड़े हो जाओगे ना तब ले जाऊंगा। बॉबी कभी नहीं बेटी, बच्चे जिद नहीं करते। हाँ तुम लोग बालिया और मौसी के साथ रहो, हम लोग जल्दी लौट आएंगे। क्यों, चलो किची करो। मेरे अच्छे बच्चे हैं ना, चलो। अरे नंदिनी घर पे जाके
होना चाहिए ना। हाँ अभी बाल पीछे, हाँ पीछे, हाँ ऐसे। का ख्याल है नंदिनी, इस काम में हम दोनों बराबर के शरीक हैं, इसलिए जो बयान तुमने पुलिस को दिया है उस पर अटल रहना। ये आरती बोट में से झुक झुक कर फोटो ले रही थी और एक बार कुछ ज्यादा झुक गई, और इससे पहले कि हम उसकी मदद कर सके मगरमच्छ ने उसे पकड़ के पानी के अंदर खींच लिया और पानी की गहराई में ले गया, समझ गई? कभी भूल कर भी किसी के सामने सच मत उगल देना, वरना वो सच फांसी का फंदा बनकर हम दोनों के गले में पड़ जाएगा। समझो, इंस्पेक्टर आ रहा है। इंस्पेक्टर, मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप लोग कर क्या रहे हैं। सुबह से शाम होने को आ गई है और आप लोग अब तक मेरी पत्नी को ढूंढ नहीं सके। आप नहीं समझ सकते मेरे दिल पर क्या बीत रही है। भगवान इतना निर्दयी नहीं है कि मासूम बच्चों से उनकी मां छीन ले, हम गरीबों से उनके नेक दयालु मालकिन छीन ले। नहीं, वो नहीं मर सकती, वो जरूर वापस आएगी। रोमत भरिया मौसी कहती है हमारी मम्मी जरूर वापस आ जाएगी। बस बेटी बस, आओ बच्चों खाना खा लो। हम नहीं खाएंगे, हमें भूख नहीं है। भूख नहीं है, भूख नहीं है, बस यही सुने जा रहा हूँ। कब तक बिना खाए रहोगे? जब तक मम्मी नहीं आएगी। देखा बेटिया, जम्बो भी तुम्हें खाने के लिए कह रहा है। वकील अंकल आ गए। मम्मी आई अंकल? अंकल मम्मी नहीं आई।
जब से आरती बिटिया गई है बच्चे एक ही रट लगाए हुए, मम्मी आई हर हाट पर दरवाजे पर नजर टिका देते हैं। अपनी मां को नहीं देख पाते तो मायूस होकर रह जाते हैं। ना ठीक से खाना खाते हैं, ना सोते हैं, ना स्कूल जाते हैं। मुझसे इनकी हालत देखी नहीं जाती। अब आप ही ने समझाइए ना वकील साहब। अच्छे बच्चे ऐसा नहीं करते बेटे, तुम अपनी मम्मी से बहुत प्यार करते हो ना, तो स्कूल नहीं जाओगे, खाना नहीं खाओगे तो मम्मी नाराज हो जाएंगी और फिर वो कभी नहीं आएंगी बेटे। अगर हम खाना खाएंगे, स्कूल जाएंगे तो हमारी मम्मी वापस आ जाएगी। जरूर आ जाएंगे। क्यों झूठ बोल रहे हैं वकील साहब? इन्हें एक दिन सच्चाई का सामना तो करना ही होगा। ये झूठी तसल्ली देने का क्या फायदा? और तुम लोगों को मैंने कितनी बार कहा है कि तुम्हारी मम्मी इस दुनिया में नहीं रही और तुम समझते नहीं। जाओ अपने कमरे में, जाओ जाओ। मिस्टर संजय, आपको बच्चों के साथ इस तरह से पेश नहीं आना चाहिए, उन्हें प्यार की जरूरत है। उनकी क्या जरूरत है आपसे बेहतर मैं जानता हूं। उनका बाप मैं हूं, आप नहीं, ये बात याद रखिएगा। वकील साहब, इसकी बातों का बुरा मत मानिएगा, बेचारा क्या है उसका दिमागी संतुलन ठीक नहीं है, जरा परेशान रहता है वो। कुछ ज्यादा ही परेशान है। बेटी बस, आज तू पहली बार बोली है, मुझे बता कौन थे वो लोग, ये सब कैसे हुआ तेरे साथ? बोल बेटी, बोल बेटी। आइए मिस्टर संजय, क्या बात है, बहुत परेशान लग रहे हैं आप। परेशान तो हूं वकील साहब, और न जाने कब तक आपका और आपके कानून का यह तमाशा चलता रहेगा। बैठिए। कानून कभी कोई तमाशा नहीं करता, बल्कि अपनी हर जिम्मेदारी को बखूबी निभाता है और दूसरों की जिम्मेदारियों को कोई अहमियत नहीं देता। आरती को जाना था सो चली गई और मुसीबत में मैं फंस गया हूं। आपके कानून को अच्छी तरह पता है कि आरती दो बच्चे भी छोड़ गई है, जिनकी देखभाल की जिम्मेदारी आपके कानून पर नहीं, मुझ पर है। इतना बड़ा कारोबार है, करोड़ों की जायदाद है, और मुझे अभी तक इतना भी हक नहीं मिला कि मैं उसकी देखभाल कर सकूं। आखिर मैं कोई गैर नहीं, आरती का पति हूं। आपको कानून की एक बारीकी का पता नहीं है मिस्टर संजय। क्या बारीकी? कानून कहता है कि जब तक किसी इंसान की लाश मिल नहीं जाती तब तक उसे मुर्दा नहीं करार दिया जा सकता। और अगर लाश मिले ही ना तो? तो इस हालत में 7 साल इंतजार करना होगा। 7 साल? जी हां, 7 साल के इंतजार के बाद कानून उस इंसान को मुर्दा तस्लीम कर लेता है और फिर उसके वारिस को सारी जायदाद का हकदार करार दिया जाता है। आप समझते क्यों नहीं, आरती मर चुकी है। मेरी आंखों के सामने वो बोट से पानी में गिरी
और मगरमच्छ उसे खींचता हुआ पानी के अंदर ले गया, और इस हादसे की चश्मदीद गवाह मिस नंदिनी भी है। ये मंजर आप और मिस नंदिनी ने देखा है, कानून ने नहीं देखा, और जो नहीं देखा उस पर कानून कैसे विश्वास करेगा? लेकिन 7 साल तक आरती के बच्चे और उसके कारोबार की देखभाल कौन करेगा? उनकी जिम्मेदारी अदालत पर है, क्योंकि जायदाद पर अदालत का कब्जा है, इसलिए आरती देवी के घर और बच्चों के सारे खर्चे अदालत पूरा करेगी। हाँ, आपको अपने जाती खर्चों का बोझ खुद ही उठाना होगा। क्या क्या मतलब है आपका? ये मैं नहीं कह रहा, अदालत का हुक्म है। एक खास बात और सुन लीजिए मिस्टर संजय, अगर इस दौरान आपने दूसरी शादी कर ली तो आरती परिवार के साथ आपका कोई रिश्ता नहीं रह जाएगा। क्या 7 साल? तेरा दिमाग खराब है? अरे 7 साल देखे किसने, और आजकल के जमाने में कौन उल्लू का पट्टा 7 साल तक जिंदा रहता है? तू 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 सब किया खराब है, पानी फेर दिया। अरे तू तो अपने आप को बड़ा अकलमंद समझता था ना, तो फिर ये बैंक कर जमा में पहले क्यों लिया? अब मुझे क्या मालूम था कि मरने के बाद लाश का मिलना भी जरूरी है, वरना ये मुसीबत खड़ी हो जाएगी। ले अरे वो अकल के पीछे लठ लेके घूमने वाले, उसको मगरमच्छ के मुंह में डालने की क्या जरूरत थी? वो साले मगरमच्छ का पेट तो भर गया, हम सबका पेट मारा गया ना, उसको किसी पहाड़ की ऊंचाई से खाई में क्यों नहीं धकेल लिया तूने? आप भी क्या पागलों जैसी बातें करते हैं मामा, ऐसा करता तो पुलिस को फौरन शक हो जाता कि मैंने ही उसका खून किया है। बिना शक और सबूत के फूल प्रूफ कत्ल करने का यही एक तरीका था। तूने उसको कत्ल नहीं किया है, हम सबको कत्ल कर डाला है। बताओ अब 7 साल तक भिखारियों की जिंदगी गुजारनी पड़ेगी, और मेरा क्या होगा? मेरे तो अरमानों के घोंसले में आग लग गई, और तू कहीं नौकरी भी नहीं कर सकता है। करोड़पति बीवी का पति अगर कहीं काम करेगा तो इज्जत का जनाजा निकल जाएगा। हे मां, मेरा तो हार्ट फेल हो जाएगा। नहीं, मैं गोली खा लूं, नहीं तो वाकई मेरे को हार्ट अटैक हो जाएगा। ना खा। ये क्या है, ये झिंगुर मारने की गोली मेरे जेब में किसने रख दी है? चाचा जी। कौन चाचा जी? आप चिंता क्यों करते हो, मैं हूं ना। अरे तू क्या करेगी, तू लड़की है, कोई नोट छापने की मशीन थोड़ी जो मेरी कड़की दूर कर देगी। नंदिनी। चाचा जी। चाचा जी मत बोल, मेरी बात सुनिए। अगर संजय काम नहीं कर सकता, उसकी इज्जत में फर्क पड़ता है, मैं तो कर सकती हूँ ना, मैं तो पहले से ही कर रही हूँ। संजय के लिए और करूंगी, पैसे की कोई चिंता नहीं होगी। अरे वाह, तुम कितनी अच्छी हो। सुनो, तुम्हारी कोई चाची वाची नहीं? क्यों? उसका मेरे साथ चक्कर चला तो मेरे लिए काम करेगी तो मेरा भी खर्चा पानी निकल जाएगा। आपके खर्चे को भी मैं संभाल लूंगी। हुँ? तो जा रही है बेटी? हाँ बाबा, अब मुझे यहाँ बहुत दिन हो गए हैं, मुझे अब यहाँ से जाना चाहिए। लेकिन कहाँ जाएगी? जहाँ मेरे कातिल रहते हैं बाबा, मुझे मौत के मुंह में धकेल कर तमाशा देखने वाले रहते हैं, वहां जाऊंगी मैं। अब मेरी इस उजड़ी हुई जिंदगी का एक ही मकसद है, बदला, इंतकाम। उन पापियों से बदला भगवान लेगा, उनके पापों का फल देखकर ही रहेगा। नहीं बाबा, उनके पापों का फल उन्हें मैं दूंगी, उनसे बदला मैं अपने हाथों से लूंगी। उन्होंने मेरा दुगना खून किया है बाबा, एक मेरे शरीर का और दूसरा मेरे विश्वास का, मेरे बच्चों का सहारा बनने की उम्मीद दिलाकर, शराफत के झूठे जाल में फंसकर, सिंदूर की जगह मेरी मांग में खून भर दिया। उसने एक औरत को धोखा दिया है बाबा, एक मां को उसके मासूम बच्चों से जुदा करके तड़पाया है। मैं उसे नहीं छोड़ूंगी बाबा, नहीं छोड़ूंगी। दुनिया समझती है कि औरत जात कमजोर है, मैं दुनिया को दिखा दूंगी कि औरत कमजोर नहीं। औरत जब एक बार अपने दिल में इंतकाम लेने की ठान लेती है तो वो उसे पूरा किए बगैर चैन की नींद नहीं सोती। मैं कसम खाती हूं बाबा, जिस तरह उसने मुझे मारने की कोशिश की, उसी तरह मैं भी उसे मगरमच्छों के बीच फेंक कर उसकी मौत का तमाशा देखूंगी। ठीक है बेटी, तेरी इन बातों को सुनकर
यूं लग रहा है जैसे तेरी जबान से शब्द नहीं, तेरे जख्म टपक रहे हैं। तेरी आंखों से आंसू नहीं, इन्हीं जख्मों का खून बह रहा है। और इस बूढ़े में तेरे इस दर्द को सहने की शक्ति नहीं है। बेटी, जब मैं तुझे अधमरी हालत में यहां लाया था तो तू ये जेवर पहने हुए थी। अब तू जा रही है, इन्हें ले जा बेटी, तेरे काम आएंगे। इतने दिनों तक तू इस घर में बिल्कुल मेरी बेटी की तरह रही। जब बेटी बाप के घर से जाती है तो बाप हमेशा उसे तोहफा देकर विदा करता है, मगर इस बूढ़े गरीब के पास सिवाय आशीर्वाद के और कुछ नहीं। नहीं बाबा, ऐसा मत कहिए। आपने अपनी बेटी को वो तोहफा दिया है जो दुनिया में कोई बाप अपनी बेटी को दे ही नहीं सकता। आपने मुझ मरते हुए को दोबारा जिंदगी दी है बाबा। मैं अपने बाप के घर से दुनिया का सबसे कीमती तोहफा लेकर जा रही हूं। भगवान तुझे शक्ति दे बेटी। All the way from India. Can cosmetic surgery eliminate these scars completely? Yes, it can easily be done. We'll need an old photograph of yours from before the accident. No, doctor. I don't want just these scars removed. I want to look different. I want a new face. एक नया चेहरा जिसे कोई पहचान न सके। कर सकते, लेकिन साथ रहने से तो दुनिया का कोई कानून हमें रोक नहीं सकता। बस तुम्हें तो एक ही धुन लगी हुई है, जानती हो, एक एक कदम फूंक फूंक कर रखना है, वरना वो वकील का बच्चा मुझे यहां से निकाल बाहर करेगा। वो तो सिर्फ एक मौके की तलाश में है। ऐसी हालत बना दी मेरी जैसे नदी में पानी बह रहा हो और किनारे पर किसी प्यासे को बांध कर रख दिया हो। और यह सब इस बदशकल औरत की वजह से हुआ है। मरकर भी पीछा नहीं छोड़ा, हटा उस मनुष्य को यहां से। आपने मेरी मम्मी की तस्वीर क्यों फेंकी? नहीं बेटे, तस्वीर नहीं फेंकी, वो तो बात करते करते अंकल का हाथ फ्रेम पर लग गया था इसलिए गिर गई।
हम तुम्हारी मम्मी की तस्वीर थोड़ी फेंकेंगे। आप झूठ बोल रही हैं। मैंने खुद अपनी आंखों से इन्हें तस्वीर फेंकते हुए देखा है। नहीं बेटा, तुम्हें गलतफहमी हो रही है। हाथ मत लगाओ। भाभी, बड़ों के सामने ऐसे पेश आया जाता है? माफी मांगो। नहीं मांगूंगा, मेरी मम्मी की तस्वीर क्यों फेंकी? कितनी नालायक बदतमीज जबान चलाता है। ये ले अपनी मम्मी की फोटो। They'll be gone within a few months. Nicole Jaiga. Thank you. Taxi. रोड जो बिलोपाल स्कीम
मैं तुम्हारे इतने करीब होकर भी तुम्हें गले नहीं लगा सकती। मैं मजबूर हूं, मुझे माफ कर दो। क्या तकदीर है यार, अपने घर में पिछवाड़े से निकलना पड़ता है। साला बाहर तो कर्जदारों की लाइन लगी हुई है, कर्जदारों ने जीना मुश्किल कर दिया है। आप लोग पिछवाड़े से क्या कर रहे हैं? तुम अगवाड़े से आता नहीं तो पिछवाड़े से आना पड़ता है क्या? नहीं ठीक है, क्या है? अरे तुम्हारा इलाज किया था, तुम अच्छा हो गया तो मेरा 500 रुपया निकालो। अरे कहाँ से निकालूं? ए, सीधी तरह पैसे निकाल। आहिस्ते आहिस्ते, मेरे घर की छत कमजोर है, बड़ा बड़ा करके नीचे गिर जाएगी। छत गिरेगी या बिजली गिरेगी, हमें उससे क्या, पैसे निकाल। अरे कहाँ से निकालूं? महीने हो गए नोट की तस्वीर नहीं देखी, मार खाने को पैसा नहीं और तू कहती पैसा निकाल, कहाँ से निकालूं? अरे मुझे उससे क्या, पैसे निकाल नहीं तो मुझे गुस्सा आ जाएगा। गुस्सा आएगा तो क्या करेगी, काटेगी क्या? हाँ काटूंगी। आज मैं तुझको नहीं छोड़ूंगी। गी, 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 गी। तुम्हारी आवाज को क्या हो गया? आवाज? अरे अरे वाह, अरे कमाल हो गया, अरे मेरी आवाज वापस आ गई। अरे बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या का शुक्रिया, मैंने क्या किया है? मैंने आपको बताया था ना कि बचपन में मुझे एक खतरनाक पागल कुत्ते ने काटा था और मेरी आवाज चली गई थी, तो मुझे बहुत बड़े डॉक्टर खड्डा वाला ने कहा था कि ऐसे पागल कुत्ते को काटो जिसे बहुत जहरीले सांप ने काटा हो। थैंक यू बाबा, थैंक यू वेरी मच। क्या मतलब मैं कुत्ता हूँ? मेरे को किसी कुड़ाजी का मेरा भला करे, कुड़ाजी का मेरा भला करे। आज तुम्हारी वजह से वो मेरा मंगेटर का आवाज खुल गया। मंगेटर? हाँ मंगेटर बाबा, मंगेटर। आज से 20 बरस पहला मेरा इसके साथ शादी होने वाला होता, लेकिन मेरा माँ बाप राजी नहीं होता। कारण कि इसका आवाज मेरा बाप का आवाज से भी ज्यादा कड़क होता। दू, 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 दू। तो मेरा मम्मा बोला मेरे को बहू मांगता है, ससुरा नहीं। लेकिन आज आपका कारण इसका आवाज खुल गया, हमारे शादी का रास्ता खुल गया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद से क्या होता है? कुछ वो जो तुम मेरे को 500 रुपया देने वाला होता नहीं, वो तुमको माफ कर दिया। भेजो कुछ दो ना, बहुत धन्यवाद। एक मिनट ए भाई साहब, फिर मेरा शिरीन का आवाज खराब हो जाएगा नहीं तो तुम्हारे पास लेकर आएगा कटवाने का। धन्यवाद। मैं मॉडल बनना चाहती हूँ। यहाँ जो भी लड़की आती है मॉडल बनने ही आती है, कभी अपनी शक्ल आईने में देखती है? हाय नंदनी नंदनी नंदनी, अजी मैं उसकी तस्वीरें खींचते खींचते बोर हो चुका हूँ, और मैं ही क्या, सारे स्पॉन्सर्स बोर हो चुके हैं। अगर यही रवैया रहा तो लगता है एक दिन ये एडवर्टाइजिंग एजेंसी बंद करनी पड़ेगी। इसमें मैं क्या कर सकती हूँ, तुम्हें तो किसी नई लड़की का चेहरा पसंद ही नहीं आता। अजी ये चेहरे भी कोई चेहरे हैं क्या? लानत है इन चेहरों पे। लगता है भगवान ने आजकल अच्छे चेहरों को बनाना ही बंद कर। अरे वाह, क्या मैं आपके सवाल का जवाब बन सकती हूँ? ओ लला, जवाब नहीं इस जवाब का। तुम तो ऊपर से बनी बनाई मॉडल आई हो। जाने मन जाने बाहर तुम्हारी खूबसूरती और मेरे आर्टिस्ट दिमाग के उड़ाने का दोनों एक हो जाए तो मॉडलिंग की दुनिया तहलका मच जाएगा। हिंदुस्तान के हर अखबार, हर मैगजीन के कवर पे, दूरदर्शन पे बस तुम ही तुम नजर आओगी। सच? तुम्हारा नाम? ज्योति। हाय ज्योति, मुझे जेडी कहते हैं। नाइस मीटिंग यू। सेम हियर। एक मिनट, अरे थोड़ा सा लाभ।
म्यूनिसिपैलिटी के नल की तरह 24 घंटे बहती रहती है। क्या लड़की है, लड़की क्या कयामत है, दिल वालों की हजामत है, ये किसी मुल्क की शहजादी है क्या? नहीं मामा, आजकल ये एक बहुत मशहूर मॉडल है, हर मैगजीन के कवर पर इसी की तस्वीर है। सारी दुनिया देखी मैंने, लेकिन ऐसी लड़की नहीं देखी। है तो कातिल है, मगर तू इस मॉडल में इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहा है? तेरे पास तो एक मॉडल पहले से है, नंदिनी। मामा, लड़की का मॉडल हो या गाड़ी का, वक्त के साथ साथ दोनों पुरानी हो जाती हैं। और मैं पुरानी चीजों का शौकीन नहीं हूं। Oh, hi, Rupa. How are you doing? You're looking gorgeous. Well, thank you. Excuse me. Dil gaya to gaya, hosh bhi ud gaye. Ek naya inqilab aane ko hai. अपनी काफिर निगाहों को रोको जरा, मेरा ईमान तगमगाने को है। इस बंदे को संजय वर्मा कहते हैं। नाम तो कुछ जाना पहचाना सा लगता है। यह तो हमारी खुशकिस्मती है कि इस बेनाम का नाम आपको जाना पहचाना सा लगता है। याद आया, कहीं आप वही संजय वर्मा तो नहीं जिन्होंने एक करोड़पति बाप के एक लौती बेटी आरती से शादी की थी? जी हाँ वही, मगर वो बेचारी बदकिस्मती से एक हादसे का शिकार होकर स्वर्गवास हो गई। खैर, इस वक्त मौत की बातें भूल जाइए, खूबसूरती और चाहत की बातें कीजिए। बिल्कुल, जिंदगी में कुछ ऐसे भी काम करनी चाहिए जो मरने के बाद भी दुनिया हमें याद रखे, और मैं कुछ ऐसा ही करने का इरादा रखती हूँ। आप बहुत जिंदा दिल लगती हैं। अच्छा, क्या मैं आपके साथ डांस कर सकता हूँ? श्योर। एक्सक्यूज मी, थैंक यू। जान, तुमने तो सारे स्पॉन्सर्स और एडवर्टाइजिंग एजेंसी वालों को जुलूस निकाल दिया है। उनके फोन्स पे फोन्स आ रहे हैं और सब के सब तुमसे मॉडलिंग करवाने के लिए मरे जा रहे हैं। अच्छा है, मरने दो। तुम्हें लोगों को मारने का शौक है? सबको तो नहीं, लेकिन एकाध को तो मानना ही चाहिए। हाय मेरी जान, मरे हुए को मानने से क्या फायदा, मैं तो पहले से ही मरा हुआ हूं। और कितने जलील कराओगे अपने आप को? चलो यहां से। तुम्हें इसके लिए ताली बजाने की क्या जरूरत थी? लगता है तुम्हें जलन हो रही है। हाँ हो रही है जलन, बल्कि आग भी लग रही है। एक बात सुन लो संजय, मैंने तुम्हें और तुम्हारे प्यार को पाने के लिए बहुत कुर्बानियां दी हैं, और अगर कोई मुझसे मेरा प्यार छीनने की कोशिश करेगा तो मैं अपनी जान पर भी खेल जाऊंगी। लोग सही कहते हैं, ये औरत की मिट्टी में पानी कम, जलन ज्यादा होती है। और तुम भी डार्लिंग, न जाने कहां से कहां बात मोड़ कर ले जा रही हो। मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकता हूं? दुनिया छोड़ दूंगा, लेकिन तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। तुमसे पहले भी एक तस्वीर यहाँ लगी हुई थी, लेकिन वो चेहरा कुछ पुराना हो गया था, इसलिए वो तस्वीर उतार कर तुम्हारा चेहरा वहां चिपका दिया गया था। लेकिन अब तुमसे भी ज्यादा ताजा और खूबसूरत चेहरा सामने आ गया, इसीलिए तुम्हारी तस्वीर वहां से उतारी जा रही है। नहीं जेडी, मुझसे खूबसूरत कोई नहीं। अगर फैसला करना हो तो मुकाबला करवा के देख लो कि लोग किसे ज्यादा पसंद करते हैं, ज्योति को या नंदिनी को। आई शाबाश, इट्स अ चैलेंज।
क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? अंदर आने के बाद पूछ रहे हो? नहीं, बाहर से पूछता तो आवाज भी बाहर रह जाती। आवाज अंदर लाने के लिए खुद भी अंदर आना पड़ता है, तो आवाज अंदर लाने के लिए मैं भी अंदर आ गया। मैं फिर से पूछता हूँ, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? संजय साहब ने आपके लिए खत भेजा है। तुम उनके नौकर हो शायद? नौकर? मैं आपको नौकर दिखता हूँ क्या? अरे वाह, इज्जत से बैठाकर प्यार के दो बोल बोलकर नौकर को बुलाकर दो चाय पिलाने के बजाय उल्टा मुझको नौकर बोल रही है। मैं नौकर नौकर नहीं हूँ, संजय का मामा हूँ। मामा? हाँ। ओ, मामा। दरअसल बूढ़े आदमी को देखकर समझ में नहीं आता है कि वो नौकर है या मामा। अरे कौन बुढ़ा, कितने जूते मारे चले जा रही है आप। नौकर के लेवल से गिरा तो बुढ़ापे की किचन में पटक दिया। मैं क्या बुढ़ा हूँ क्या? ये तो मेरे खेलने कूदने की उम्र है, उल्टा संजय मेरे से एक साल बड़ा मालूम। मगर आपकी शक्ल देखकर ऐसा लगता है जिसे आपके किस्मत के सितारे पर बहुत जल्द बर्बादी की धूल पड़ने वाली है। आए, आए, आए? क्या बात करती हैं आप? मैं हर रोज अपनी शक्ल पर झाड़ू मार मार के अपने सितारों को चमकाने की कोशिश करता हूँ और आप कहती हैं और धूल पड़ने वाली है। कहा छोड़िए, खत पड़ी आप, काम का दिल हिला दिया। लीजिए। एक बात तो है ज्योति जी, आपकी खूबसूरती की जितनी तारीफ सुनी थी, आप तो उससे भी बढ़ के निकली। ये संगे मरमर सा तराशा हुआ शफाफ बदन, ये सरों के पेड़ सा निकलता हुआ लंबा कद, ये नजरों के तीर छोड़ती हुई कमानी आंखें, ये फूल की पंखड़ियों से भी ज्यादा नाजुक गुलाबी होंठ, और ये लाल लाल गुलाब जामुन की तरह मीठे मीठे गाल। माया क्यों? मैं तो आपकी तारीफ कर रहा था। अंदाज गलत था, गिरा। जवाब दिया उसने? हाँ दिया ना, मगर बात से नहीं दिया, अपने सन्नाटेदार हाथ से दिया। ये देखो अभी तक उसकी छपाई मेरे गालों पे लगी हुई है। ऐसा कस के झापड़ मारा कि मन के मंदिर में जितनी बेईमानी की घंटियां लटक रही थी वो अब तक हिल रही हैं। एक बात बोलूं, वैसी लड़की नहीं जैसी तू समझता है, उसको भूल जा, नहीं तो एक दिन क्या होगा मालूम? अच्छा खासा। अरे मैं तो जमीन पे चला था, मेरे पैर के नीचे की जमीन कहां चली गई? एक बेटा इसीलिए बोलता हूँ उसको भूल जा, वरना एक दिन तेरे पैरों के नीचे की भी जमीन निकल जाएगी। भूल जा उसको। नहीं मामा, एक बार संजय किसी को फूल भेजता है तो उसे भूलता नहीं, उसके दिल में मोहब्बत के फूल उगाकर ही रहता है।
जाओ, मेम साहब से कहो संजय साहब मिलना चाहते हैं। मैडम कोई संजय साहब आपसे मिलने आए हुए हैं। मैं यहाँ शूटिंग करने के लिए आई हूँ, किसी से मिलने के लिए नहीं। कह दो मेरे पास वक्त नहीं है। जी मैडम, वक्त की कदर करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसे इतना महंगा ना बनाइए कि अपने पुजारी के लिए भी दो पल न मिल सके। माफ कीजिएगा, मैंने आपको पहचाना नहीं। अगर आप मजाक कर रही हैं तो बहुत ही अच्छा है। यकीन कीजिए, जिस दिन से आपने मेरे गले में हार डाला है, उस दिन से वो हार मेरे गले का जंजीर बन गया है। सोते जागते उठते बैठते मैं आप ही की कल्पना करता रहता हूँ। लगता है बस पागल हो जाऊंगा। बातों से तो लगता है, पत्थर हाथ में होता तो यकीन भी हो जाता। आपको यकीन नहीं आता? यकीन कीजिए मैं सच बोल रहा हूँ। ये बुरी आदत भी है आपको? वाह, कत्ल भी करते हैं और हाथ में तलवार भी नहीं। कत्ल करने के लिए हाथ में तलवार की जरूरत नहीं होती। हाँ, शर्त यह है कि कत्ल होने वाला बेशर्म न हो। नाउ यू एक्सक्यूज मी, मेरा शॉट रेडी है। सिर्फ एक मिनट और। कहिए। एक आरजू लेकर आया था, अगर आप एक छोटा सा तोहफा कबूल करें। तोहफा? किस खुशी में? आपने भी मुझे उस दिन एक तोहफा दिया था, इसे पहनकर इसकी खूबसूरती बढ़ा दीजिए। बड़ा खूबसूरत कंगन है ये, बिल्कुल रजवाड़ों के खानदान का। पसंद आया? बहुत खूबसूरत है, बिल्कुल रजवाड़ों के खानदान का। लेकिन लगता है पहले किसी ने पहना है इसे। कैसी बातें कर रही हैं आप? मेरी इतनी मजाल कि मैं आपको सेकंड हैंड तोहफा दूं? थैंक यू। आओ ज्योति आओ। अरे आओ ना, घबरा क्यों गई? ये है अपना छोटा सा घर। माँ आई बेटे। घर छोटा है लेकिन घर का दिल बहुत बड़ा है। घर का दिल बहुत बड़ा है, क्या मतलब? मतलब ये है कि इस घर में मैं रहता हूँ, मेरे बड़े भाई रहते हैं, मेरी भाभी रहती है, उनके प्यारे प्यारे बच्चे रहते हैं, उन प्यारे प्यारे बच्चों की प्यारी प्यारी दादी माँ यानी मेरी माँ रहती है। सब कुछ मिलाकर घर का दिल बड़ा हुआ कि नहीं? क्या है बेटे? माँ मैं तुमसे हमेशा ज्योति नाम की लड़की की तारीफ किया करता था ना, ये वही ज्योति, और ज्योति ये मेरी माँ है। नमस्ते। बहुत सुंदर है, भगवान तुझे बुरी नजर से बचाए। कल संडे? नहीं कल संडे। कल संडे? नहीं कल संडे। कल संडे? नहीं कल संडे। कल संडे? चाचा आप ही बताइए, कल सैटरडे कि संडे? अरे कल, कल तो कल कल संडे। ये ज्योति आंटी है, नमस्ते करो इनको। नमस्ते आंटी। हेलो हेलो हेलो, कोई बोलता ही नहीं, ना मुझे फोन। हेलो हेलो, बोलिए ना, कौन बोल रहे? हेलो। अरे आप? जी हाँ। आप बैठिए, मैं भी आती हूँ। अभी तक खड़े हैं, बैठिए ना। माय माय, इस हिंदुस्तानी लिबास में बहुत खूबसूरत लग रही ज्योति। मुझे लगता है इस खूबसूरती के पीछे कोई राज छुपा है। जी? मैं एक फोटोग्राफर हूं ज्योति, और चेहरा पढ़ना मेरा पेशा है। तुम किसी आग का सामना कर रही हो, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं एक दोस्त के नाते। जेरी, जिंदगी के जिस रास्ते पर मैं चल पड़ी हूं,
उस पर मुझे अकेले ही चलना होगा। मेरा कोई हमसफर नहीं बन सकता, मैं किसी की मदद नहीं ले सकती। ऐसा क्या मकसद है तुम्हारी जिंदगी का? जेरी, एक दोस्त के नाते इस मामले में मुझसे तुम सवाल न करो तो बेहतर है। सुनो, मेरी आंखों में आंखें डाल के देखो और कहो कि मेरी तुम्हें कोई जरूरत नहीं। मैं तो बर्बाद हो गया। तेरे को खिला खिला के, पिला पिला के, ये कीमती कपड़े पहना पहना के मेरा तो दीवाना खसक गया। और तू घर की कीमती चीजें चुरा के उसको जाके तोहफे में दे के आता है। मेरे को चुरा के नहीं दे सकता है साला, मैं कर्जदारों के कर्जे तो उतारू। तेरा क्या मालूम, मेरे घर पे रोज कर्जदारों की इतनी लंबी लाइन लगी होती है कि घासलेट की दुकान के बाहर भी इतनी लंबी लाइन नहीं होती होगी। मैडम, लोगों ने मेरे को धमकी दी है, अगर मैंने उन लोगों का कर्जा बहुत जल्दी नहीं उतारा तो वो लोग मेरे जेल भेज देंगे। अरे मैं जेल जा रहा हूँ और तू उस दो कौड़ी की ज्योति के मोहब्बत में गिरफ्तार होता चला जा रहा है। खबरदार मामा, अगर ज्योति के खिलाफ एक लफ्ज और कहा ना तो मैं तुम्हें दो कौड़ी का बना दूंगा। तू मुझे धमकी दे रहा है इस हीरालाल को, जिसने तुझ जैसे कंकर को एक कंकर से हीरा बना दिया, तू मुझे धमकी दे रहा है? इस शान शौकत का मालिक बनाया, करोड़पति बीवी की जायदाद का एक खिलौता वारिस बनाया, तू मुझको धमकी दे रहा है? इस दौलत के सिंहासन पे बैठाने के लिए तेरे रास्ते का जो सबसे बड़ा कांटा था उसको मैंने उखाड़ा, तो क्या समझता है आरती का बाप कोई हार्ट फेल से मरा था? अरे जा जा, उसको मैंने अपने हाथ से तकिए से उसका मुंह दबा 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 के मैंने मार डाला उसको। बुड्ढे, क्या सुना तुमने? कुछ नहीं मालिक, कुछ नहीं। झूठ बोलेगा तो जान से मार डालूंगा। बस मालिक, आप चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे तो खुद ही सुनाई पड़ गया। लेकिन लेकिन मैं तेरी माँ की सौगंध खा रहा कहता हूँ, इसकी चर्चा मैं किसी से नहीं करूंगा। जिंदा रहेगा तो चर्चा करेगा ना। एक काम करते ना, हम उसको उठा के नीचे फेंक देते हैं, दुनिया समझेगी सीढ़ियों से लुढ़क के मर गया। काका को क्या हुआ? एक्सक्यूज मी। यस मैडम, आप कविता की क्लास टीचर हैं? जी हाँ। वो कहाँ है, दिखाई नहीं दे रही? तीन चार रोज से उसकी तबीयत खराब है। और उसका छोटा भाई बॉबी? वो भी नहीं आया। एक्सक्यूज मी। आई एम टेरिबली सॉरी, काफी देर इंतजार करना पड़ा होगा ना आपको। काफी तो कयामत तक भी ना होता, क्योंकि वो आपका इंतजार होता। आपके फोन ने मुझे इतना एहसास दिला दिया था कि जलने वाले हम अकेले नहीं हैं, आग दोनों तरफ बराबर है लगी हुई। मेरे दिल में जो आग लगी है उसके मुकाबले में तो आपकी आग कुछ भी नहीं। या तो जिंदगियां जलाकर खाक कर सकती हैं। वाह, तो इस आग को बुझाने का एक ही तरीका है कि हम दोनों मिलकर एक हो जाएं। जहर को जहर मारता है और प्यार की आग को प्यार ही बुझा सकता है। ऐसे भी क्या जल्दी है, अभी तो मैं ठीक से ये भी नहीं जानती कि आप कौन हैं, कहां से आए हैं, क्या करते हैं, कहां रहते हैं,
पहले मैं आपको ठीक से पढ़ तो लूं। तो फिर इस नेक काम के लिए देर क्यों लगाएं? अभी चलते हैं। मेरे घर का हर दरवाजा खुला है, जिस दरवाजे से चाहे अंदर आ सकती हैं। अरे, आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। वो घर देखने को मेरा दिल बहुत चाह रहा था, जिस घर में आप रहते हैं। कुत्ता है, लेकिन आपका तो गुलाम बन गया। लगता है आपका जादू इस पर भी चल गया है। जानवरों को किस तरह काबू किया जाता है ये मैं अच्छी तरह से जानती हूं, इसलिए वो मुझसे प्यार करते हैं और मेरे गुलाम बन जाते हैं। ये मेरे बच्चे हैं। आप लोग मुझसे मिलने नीचे नहीं आएंगे? आओ बच्चों, नीचे आओ। आंटी हमारे साथ खाना खाएंगी। मेरा नाम बॉबी, इसका नाम कविता। अरे वाह, बड़े अच्छे नाम है। कौन से स्कूल में पढ़ते हो? सेंट डोजा। सूप मैडम। क्या देख रही हैं? कुछ चाहिए? नहीं तो इस घर में और कौन कौन रहते हैं? बस जितने दिखाई दे रहे हैं उतना ही। छोटा परिवार, सुखी परिवार इसलिए नहीं कह सकता क्योंकि किसी एक की कमी है। कविता बेटी, सूप पियो। जैसे कहा जाता है वैसे किया करो, सूप पियो। कैसे सूप पी रही हो? कविता, कहां जा रही हो तुम? मुझे भूख नहीं है। मेहमानों के सामने कैसे बर्ताव किया जाता है मालूम नहीं? कितनी बार समझाया कि इस तरह खाने की मेज से उठना बुरी बात है, तुम समझती नहीं? तू कहां जा रहा है? मुझे भूख नहीं है। भूख नहीं लगी तो जाओ, जा यहां से। सब मेरे लाड़ और प्यार का नतीजा है, दोनों बिगड़ गए, जिद्दी हो गए। हेलो, मैं जानती हूं ज्योति इस वक्त तुम्हारे साथ तुम्हारे घर में है, लेकिन एक बात कान खोलकर सुन लो संजय। आज तक हम दोनों के बीच में जो कुछ हुआ है और जितने भी राज हम दोनों के बीच में है, वो सब मैंने कागज पर लिखकर अपने पास रखे हुए हैं और उसके साथ एक जहर की बोतल भी। अब मैं तुम्हें सिर्फ 10 मिनट का वक्त देती हूं। अगर 10 मिनट के अंदर तुम नहीं आए तो मैं ये सारा जहर पी जाऊंगी और उसके बाद तुम्हारा क्या हाल होगा संजय, ये तुम खुद ही समझ लो। बाय। ज्योति, मुझे गलत मत समझना, लेकिन एक बहुत अर्जेंट बिजनेस का काम निकल आया है, मुझे बुलाया है वरना बहुत नुकसान हो जाएगा। ठीक है, जाइए। बस गया और आया, लेकिन प्लीज जाइएगा मत। मेक योर सेल्फ एट होम। जंबो। हाँ जंबो, मैं बच्चों के पास ही जा रही हूँ। मम्मी, आप वापस क्यों नहीं आते? जल्दी आइए ना मम्मी।
मेरी मम्मी की। तुमको अपनी मम्मी बहुत याद आती है? हाँ, आती है, लेकिन मम्मी आती है नहीं। ये शीशा किसने तोड़ा? अंकल ने हमारी मम्मी की सारी तस्वीरें तोड़ दी। कविता बेटी, तुम भी आओ मेरे पास, आओ ना। आओ दीदी, ये आंटी बहुत अच्छी हैं, बिल्कुल मम्मी की तरह गले लगाएंगी। ए, मारेंगे नहीं। क्या तुमको कोई मारता है बॉबी? हाँ अंकल, हमें रोज मारते हैं जब से रामू काका नहीं रहे। अंकल अंकल, हमें स्कूल में नहीं जाने देते। रामू काका कहाँ चले गए? वो मर गए। क्या रामू काका मर गए? हाँ, अंकल और चाचा ने मिलकर उनको मार डाला। नहीं, डरो मत बॉबी, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। बताओ, उन्होंने रामू काका को क्यों मारा? क्योंकि हम लोग ने चाचा को कहते हुए सुन लिया था। क्या सुन लिया था? कि उन्होंने हमारे नानो को ही मार डाला। क्या? हाँ, मुंह पर तकिया रखकर मार डाला। हमें बहुत डर लगता है आंटी। अब बिल्कुल मत डरना बच्चों, यूं समझ लेना कि इस घर में तुम्हारी आंटी नहीं, तुम्हारी मम्मी आ गई है, और आज के बाद मेरे बच्चों को कोई छू भी नहीं सकता। मैं कसम खाती हूं तुम्हारे नाना के खून की, उन सब पापियों को उनके एक एक गुनाह की सजा देकर ही रहूंगी। दरवाजे पर और कौन आएगा? साला कोई कर्जदार ही होगा। कर्जा वसूल करने आए हो? हाँ, कर्जा ही वसूल करने आए हूँ चाचा। चाचा, ये मेरी कौन सी भतीजी है जिससे मैंने कभी कर्जा लिया था? कौन है भाई? अरे चेहरा तो साफ दिखाओ यार, एक तो अंधेरा है, ऊपर से कमजोर दिल का मरीज हूँ, वैसे मर जाऊंगा मैं। नहीं, मैं तुम्हें वैसे कैसे मरने दूंगी? मैं तो तुम्हें अपने हाथों से मारूंगी। चेहरा तो देखूं, कौन है भाई? तुम आंटी? हाँ चाचा, मैं। अगर तुम तो मर चुके हो। दुनिया के लिए मैं मर चुकी हूँ, मगर तुम्हारे लिए जिंदा हूँ। मेरे लिए क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब तुमसे अपने पिता की मौत और रामू काका के कत्ल का बदला लेने के लिए जिंदा हूँ। क्या? से तुमने मेरे पिता की जान ली थी ना? हेलो नंदिनी, मैं ज्योति बोल रही हूँ। हाँ हाँ बोलो। इस वक्त मैं एयरपोर्ट से बोल रही हूँ। तुम्हारा आशिक संजय वर्मा, जो मेरा दीवाना है,
और मेरे इशारों पर नाचता है। मुझे अपने साथ सीतापुर फार्म ले जा रहा है। क्या उसने तुम्हें बताया नहीं? अगर तुम्हें यकीन नहीं आता तो तुम खुद सीतापुर फार्म आकर अपने बेवफा आशिक का तमाशा देख लो। हेलो हेलो, चाचा जी टीचर ने स्कूल में मैथमेटिक्स का होमवर्क दिया है और मुझसे सवाल हल नहीं हो रहा, आप जरा। अरे ये बॉबी और कविता की तस्वीर यहाँ कैसे? बॉबी कविता? हाँ ये तो मेरे ही स्कूल में पढ़ते हैं। अरे कविता तो मेरे ही क्लास में है। मालूम है चाचा, इनकी माँ को ना मगरमच्छ ने खा लिया था। जिंदगी के जिस रास्ते पर मैं चल पड़ी हूँ उस पर मुझे अकेले ही चलना होगा। खूबसूरत जगह है। आपसे ज्यादा नहीं। आओ ना। ये हमारी लीला बाई हैं। पूरे फार्म की देखभाल करती हैं, हिसाब किताब देखती हैं, सब कुछ इन्हीं के जिम्मे है। और लीला बाई ये हमारी खास मेहमान मिस ज्योति हैं। हाय आंटी। तुम्हें इनका खास ख्याल रखना होगा। और सुनो वो जो आरती का कमरा है ना उसे इनके लिए खोल दो। नहीं मालिक, वो कमरा नहीं खुलेगा। क्यों? जब से वो हादसा हुआ है मैंने वो कमरा बंद कर दिया है। आप उस हादसे को अभी तक भूली नहीं? आरती मेरी बच्ची समान थी, कोई मां अपने बच्चे को भूल सकती है क्या? बड़ा खूबसूरत घोड़ा है, किसका है? मेरा है। तुम्हें घुड़सवारी आती है? बिल्कुल, इसमें कौन सी बड़ी बात है। अच्छा देखे तो। अरे ओ बालिया, जानवर जानवर ही रहता है, दरअसल मेरे लाड प्यार ने इसे भी बिगाड़ दिया। लगता है आपको ज्यादा ही प्यार करते हैं। बेटे मैं ये पूछने आया हूँ कि तुम्हारे पापा कहाँ हैं? वो हमारे पापा नहीं है। लेकिन आप कौन हैं? मैं ज्योति का दोस्त हूँ बेटे। ज्योति संजय के साथ गई है ना, तो संजय ज्योति को लेकर कहाँ गया है यही मैं जानना चाहता हूँ। देखो बेटे घबराओ नहीं, ज्योति की जान खतरे में है, बता दो। तुम लोग अपनी मम्मी से बहुत प्यार करते थे ना? हाँ। और यही चाहते थे ना कि वो वापस आ जाए? हाँ। तो ज्योति ही तुम्हारी मम्मी है बेटे? आप सच कह रहे हैं अंकल? अंकल बोलिए ना। हाँ बेटे बिल्कुल सच कह रहा हूँ। हमें मालूम था हमारी मम्मी जरूर वापस आएगी, हमें मम्मी के पास ले चलिए ना अंकल, ले चलिए ना। वो कहाँ गई बेटे? हमारी मम्मी सीतापुर फार्म पे गई है।
राजा, उसने तुझे बहुत मारा ना, मुझे माफ कर दे बेटा, मैं मजबूर थी, बस थोड़ी देर और सब जुल्मों का अंत हो जाएगा। ये देख मैं तेरे लिए क्या लाई हूं। वापस आ गई, मेरी बच्ची वापस आ गई, मेरी बच्ची वापस आ गई, मेरी आरती वापस आ गई। तुम? हाँ मैं। ताज्जुब हुआ? तुम्हारे यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? पहले ये बताओ कि वो कहाँ है। झूठ बोलने की कोशिश मत करना संजय, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि वो यहाँ है। वो? उस वो का कोई नाम भी है कि नहीं? किसकी बात कर रही हो? मैं ज्योति की बात कर रही हूं। तुम्हें यह कैसे पता चला कि मैं यहां हूं? जो तुम साया बनकर मेरे पीछे चली आई। तुम्हारी ज्योति ने मुझे एयरपोर्ट से फोन किया था कि वो तुम्हारे गले में अपने प्रेम का पट्टा डालकर तुम्हें यहां लेके आ रही है, और अब मैं उसे बताने आई हूं कि तुम कितने बेवफा इंसान हो। नंदनी, भगवान के लिए अपनी जबान। भगवान? तुम जैसा घटिया इंसान क्या जाने भगवान क्या है। बकवास बंद करो, चलिए यहां से। यहां चिल्लाने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा यही होगा कि तुम अपनी मनहूस शक्ल लेकर यहां से दफा हो जाओ। मुझे तुम्हारी शक्ल से चिढ़ हो गई है। क्योंकि ज्योति से मोहब्बत हो गई है ना? हाँ, मैं उससे मोहब्बत करता हूँ, लेकिन तुम रुकावट बनने की कोशिश मत करो। यहां से फौरन चले जाओ, समझी? हाँ, मैं तो समझ गई, लेकिन आज मैं सारी दुनिया को भी समझा दूंगी कि आरती का कत्ल तुमने किया था। तुमने उसकी दौलत के लिए उससे शादी की थी, जबकि प्यार उसकी सहेली से करते थे, और उसी दौलत को पाने के लिए तुमने आरती को मार भी डाला था। शायद तुम भूल रही हो कि आरती के कत्ल के जुर्म में तुम भी बराबर की हिस्सेदार हो। कानून तुम्हें वही सजा देगा जो मुझे मिलेगी। फांसी का फंदा तुम्हारे गले में भी पड़ेगा। मुझे अपने अंजाम की परवाह नहीं है। आज मेरे अंदर की औरत जाग गई है और तुम्हें अच्छी तरह से पहचान गई है। वफादारी चीज क्या है तुम क्या जानो? तुम वासना के भूखे दौलत के लालची हो। मारो जितना मारना है मारो, लेकिन आज तुम मेरी जुबान बंद नहीं कर सकोगे। कल तक मेरी खूबसूरती के लिए आरती को छोड़ रहे थे, और आज ज्योति के लिए मुझसे नजरें फिरा रहे हो। मेरी जिंदगी तो खत्म हो चुकी है, लेकिन मैं ज्योति की जिंदगी आरती की तरह बर्बाद नहीं होने दूंगी। आज मैं उसे तुम्हारी हैसियत बताकर ही छोड़ूंगी। किस मुंह से बताओगी नंदिनी? जो बताने जा रही हो वो सब मैं अपनी आंखों से देख चुकी हूँ, कानों से सुन चुकी हूँ। इसे मुझसे ज्यादा कौन जान सकता है? ज्योति? ज्योति नहीं, आरती।
तुम जिंदा हो। हाँ, आज तक जिंदा हूं। भगवान ने मुझे इसलिए जिंदा रखा कि मैं तुम्हारे मौत के परवाने पर दस्तखत कर सकूं। ये कैसे हो सकता है? साइंस और डॉक्टरी के चमत्कार से, प्लास्टिक सर्जरी से, जिसने मेरा हुलिया बदल दिया, मेरा चेहरा खूबसूरत बना दिया, मेरे जख्मों के दाग मिटा दिए, लेकिन उन जख्मों को नहीं मिटा सके जो तुम लोगों ने मेरे दिल पर लगाए, वो भयानक यादें नहीं मिटा सके जिनका एक एक शब्द धोखे की स्याही से दिल के कागज पर मगरमच्छ के दांतों से लिखा है। मैं चाहती तो तुम लोगों से फौरन बदला ले सकती थी, पुलिस के हवाले कर सकती थी, लेकिन अगर मैं ऐसा करती तो बदला तो पूरा हो जाता मगर यहां के जख्म रह जाते। अब मैं तुम्हें उसी जगह ले जाऊंगी जहां तुमने मेरा अंत करने की कोशिश की थी, और वहीं तुम्हारी इस नापाक जिंदगी का भी अंत होगा। बाहों में उठा कर ले जाओगी? तेरी किस्मत में तो अब सिर्फ मौत की बाहें लिखी हैं, और वहां तक तू अपने घुटनों पर रेंगते हुए जाएगा। मगरमच्छ की खाल से बनी हुई इस घोड़े से मैं तुझे जानवरों की तरफ तेवे ले जाऊंगी। मैं इस घोड़े से तेरे बदन पर तेरी हर जुल्म की कहानी लिखूंगी, ताकि तू वही दर्द महसूस कर सके जो मेरे जख्मों पर हुआ था, जो दर्द मेरे डैडी ने, रामू काका, मेरे जानवरों ने और मेरे मासूम बच्चों ने महसूस किया था। ये बकवास एक कमजोर औरत की भपकियां हैं। कमजोर औरत? अरे शैतान, तूने आज तक औरत का रूप देखा ही कहा है? आज तक तू सिर्फ औरत नाम के खिलौने से खेलता आया है। औरत नाम के तलवार का सामना नहीं किया तूने? तूने मरियम का अमन और सीता की गोद देखी है, दुर्गा और काली का रूप नहीं देखा, पन्नादाई की ममता और प्रेम को छला है, रानी झांसी और रजिया सुल्तान का सामना नहीं किया तूने, सावित्री का सतीत्व देखा है, लेकिन तू ये नहीं जानता कि अगर वो यमराज से अपने पति के प्राण वापस ला सकती है तो तुझ जैसे इंसान के प्राण ले भी सकती है। देख आज एक औरत क्या करती है। ज्यादा प्यारा है अब मेरी गोली के निशाने पर है। अगर मेरे तीन गिनने तक तुम बाहर नहीं आई तो इस घोड़े की मौत की जिम्मेदार तुम होगी। दर्द इंसान, हम तो इंसान की परवाह नहीं करते और तुम तो एक जानवर के लिए जान कुर्बान करने के लिए तैयार हो।
दरअसल तुम्हारी मौत मेरे ही हाथों लिखी है और तुम्हारे मरते ही मेरी जिंदगी की हजारों परेशानियां दूर हो जाएंगी और तुम्हारा सब कुछ मेरा हो जाएगा। छोड़ना राजा, हमारी इज्जत का सवाल है राजा,